हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, तो देखिए पूरा घर कैसे बिखरा पड़ा है। और आज हम लोग लेट उठे थे क्योंकि मानवीय को स्कूल नहीं जाना था, और सोनू सबसे पहले उठ गया था। और वो तो रोज के टाइम पर ही उठ गया था और सबको जगा रहा था। पहले उसने चेतन को जगाने की ट्राई की, वो नहीं जाके मुझे जगाने का ट्राई किया, मैं नहीं उठी, तो फिर मानवीर को उठाया। तो आज सबसे पहले मानवीर फिर उठा सोनू के बाद। और अभी वो खेलते खेलते नीचे भाग गया है। यहाँ पर देखिए नीचे काफ़ी सारी स्पेस है, तो बार बार नीचे ही भाग जाता है। और मैंने आज बनाया है नाश्ते में रोटली होती है ना, मतलब चपाती, उसे कट करके फ्राई कर लिया है। सोनू सबको जगाने में सबसे ऊपर है, जगाने में सबसे ऊपर है। मुझे बोल रहा था ये तेरे से भी आगे, तू नहीं जगा पाती है मुझे, लेकिन ये जगा लेता है। ये नाश्ता है रेडी, कुरकुरी रोटी। सो गाइस, आज संडे है लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। और ये देखिए कार की सफाई होने वाली है, तो ये इनकी तैयारी कर रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ नीचे। देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हमारे यहाँ, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गंदा भी हो जाता है ना, तो आज मैं भी यहाँ पर सफाई करने वाली हूँ। यहाँ पर पूरे में हमें आज मैं सफाई करने वाली हूँ। तो अभी तो हमने नहा लिया है, लेकिन फिर भी बिना नहाए अच्छा नहीं लग रहा था ना। अभी तो 10 बज गए हैं और सफाई करने में कितनी देर लगेगी पता नहीं, फिर वही गंदे कपड़े पहन के घूमते रहते, इससे अच्छा है कि दोबारा नहा लेंगे। और आज है ना मौसी आया है, देखो मेरी ननद का बेटा मामा के घर पर आया है। तो मानवीर और इससे तो बस मज़ा आ गया है, दोनों बहुत ज़्यादा खेलेंगे। इतना ज़्यादा सोनू के पीछे भागे ना ये लोग, अभी सोनू डर के, पहले तो भागा काफ़ी, अभी डर के मारे यहाँ नीचे के अंदर चला गया है, बैठ के नीचे निकल ही नहीं रहा है। ये देखिए मैंने नीचे सफाई करने का बोला था, हमारे रमीना मासी भी आ गई, वो है ना मुझे कोई काम नहीं करने देती, खुद ही कर लेती है सब। पहले तो कुछ मूड ही नहीं आता था काम करने का। ये देखिए आज तो पूरा फैमिली सफाई में लगा हुआ है, मानवीर को छोड़कर हम साथ साथ है। देखिए अकेले होते हैं तो हिम्मत नहीं होती है इतना सारा साफ करने की, लेकिन सब लोग मिलकर करेंगे तो बहुत इजीली और क्या कहते हैं आसानी से हो जाता है, एंजॉय करते करते। अभी तो कार की भी क्लीनिंग होनी है आज तो, और शायद हाइनेस की भी होगी, कार की होगी, तो हाइनेस कैसे छूट सकती है, हाइनेस तो इनकी फेवरेट है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. सो गाइस देखिए नीचे पूरी सफाई हो चुकी है, मस्त क्लीन हो गया है। और अभी ये दोनों बंदर को देखिए, महर्षि और मानवीर को कहाँ पर खेल रहे हैं। कैम पाछड़ घुसिया हो आगड़ रमो, और अभी हो गए है दोपहर का, बजने वाला है एक, खाना भी है रेडी, तो चलिए आ जाइए आप भी खाना खा लेते हैं। देखिए वाड़ी से पासा दूध लेकर आए हैं, छाछ लेकर आए हैं, और ये देखिए डाडम ये आए हैं भाभी के खेत से कोटड़ा से, तो ये मेरे हमारे लिए लेकर आए हैं।
फ्रेंड्स देखिए, दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया है और थोड़ा सा निकाल दिया है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी छाछ डाल दूंगी तो दही बहुत अच्छे से जमता है, और इसे मैं दही बनाने के लिए रख दूंगी। मानवीर भी नाश्ता कर रहा है, सेव खा रहा है, और सोनू को भी अभी भूख लगी है। सोनू वो भी नाश्ता कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने खिचड़ी बना ली है और ये रोटियाँ भी बन गई, और यहाँ पर मैंने दूध फिर से उबालने रखा है और थोड़ी देर में इसे ज़्यादा उबालूंगी और इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि मानवीर को घर की बनी आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है और दूध थोड़ा ज़्यादा था। ये मैंने ठंडे दूध में 2 चम्मच या आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, तो ये डालकर इसे इस तरीके से अच्छे से मेल्ट कर लिया है। कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसे दूध के अंदर डाल दूंगी। दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, मैंने इसके अंदर शक्कर भी डाल दी है। इसको खाना दिया है लेकिन खा नहीं रहा है और पैरों में घूम रहा है। सोनू क्या हुआ? सुन जो ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर भर लिया है इसे। अब इसे मैं लीड लगाकर रख दूंगी फ्रीजर के अंदर, तो मॉर्निंग में बहुत अच्छे से ये जम जाएगी। और ये घर की मैं बनाती हूँ ना, वो मानवीर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये हो गया, अब ये काफ़ी सारा अभी बचा है तो इसके अंदर मैं सीजनल फ्रूट को ऐड करके यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है और मानवीर को ये वाला। इसे ना पानी पीना था इसीलिए दौड़ रहा था, बोल रहा था, तो देखिए अभी पानी दे दिया, पी ले रहा। ये देखिए बदमाश नीचे भाग गया था अभी, और यहाँ पीछे से बाहर की साइड कूद गया, फिर कितना ढूंढना पड़ा इसे। चेतन ने जाकर देखा तो पीछे बैठा था, तो अभी मुझे पीछे से जाना पड़ा वापस। तो अच्छा हुआ कुत्ते नहीं थे वहाँ पर, नहीं तो इसे भी पता चल जाता। बहुत मेहनत करवाई, कल मानवीर खो गया था, आज इसने कितना आराम से बैठा है देख रहा है। इसे मैं पानी पिला रही थी, उठने में तो झपट्टा मार के भाग गया। इसे बाहर निकालते हैं ना तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तुरंत भाग जाता है। मानवीर कर रहा है होमवर्क, किचन का काम हो गया है कम्प्लीट, और ये देखिए अभी इनके साथ खेल रहे। इतना ज़्यादा क्यूट है ना, कुछ भी करता है गुस्सा नहीं आता है। ये बोल रहा है और मेरे ऊपर कितना गुस्सा करती है, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो वो अपनी क्यूटनेस बिल्कुल भी नहीं दिखाता है मानवीर, मैं उसी को वही समझाती हूँ, इसके जैसा करो कि गुस्सा ना आए। चलो अभी ये अपना होमवर्क फिनिश कर रहा है तो गुस्सा नहीं करूँगी मैं। अभी बज गए हैं रात के 10:30 और हम लोग अब वॉक करने नहीं जाएंगे, मैं यहाँ बाहर ही खुले में वॉक करूँगी। और ये देखिए नहीं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको मजा आया होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।